अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम बैक दिस चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक को स्टार्ट करने वाले हैं। आज उसका फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, और उसमें भी कंप्लीट इंट्रोडक्शन को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती क्या है, एंड देन फिर हम उसकी नेचर को एक्सप्लोर करेंगे। एंड देन अगले वीडियो के अंदर मैं आपको स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स और कंप्लीट ये आपको लेक्चर की सीरीज जो है वो देने वाला हूँ। सो टाइम को बिना वेस्ट किए अपनी इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। आपको नेम भी बता रहा है उसका कि जो ह्यूमन है वो पीपल को कहते हैं, और पीपल का जो रिसोर्स होगा, जो लोगों को हम हायर करेंगे, जो लोगों को लेकर आएंगे, लोग इकट्ठे करेंगे, वो हो गया हमारा ह्यूमन रिसोर्स। और फिर इकट्ठे करने के बाद वो एक हजूम की शक्ल के अंदर होंगे, जमा हो जाएंगे, तो उनको हमने मैनेज करना है, उनको उनकी प्लेसेस पे छोड़ कर आना है, उनको उनके प्लेसेस, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब हमने बतानी है। तो इसको मिलाने के बाद हम ये कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो पीपल को, वर्क फोर्स को मैनेज करने का जो नाम है वो ह्यूमन रिसोर्स है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके बगैर सर्वाइव नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू अबाउट दिस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आपके माइंड में ऑर्गेनाइजेशन आएगा, इट्स नॉट मीन एक बिल्डिंग, इन्वेंट्रीज, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, वर्क फोर्स होती है जो उसको ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। सो वी कैन से दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ पीपल, लोगों के साथ मिलकर बनती है, ठीक है। एंड देन फिर हम उन लोगों की क्या करते हैं, सर्विसेज को अक्वायर करते हैं, अक्वायर देयर सर्विसेज, उनकी सर्विसेज को लेते हैं। कोई फॉर एग्जांपल, एक कंप्यूटर सेक्टर के अंदर हम आ जाएं, किसी को CSS लैंग्वेज आती है, HTML आती है, कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट है, कोई अकाउंट का एक्सपर्ट है, ये उनकी सर्विसेज है जो हम उनसे सर्विसेज को रिसीव करती है एक ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन डेवलपिंग देयर स्किल्स, फिर हम उनकी स्किल्स को डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इंटर्नशिप पे एक पर्सन को हायर किया, तो वो क्या हुआ, आप उसकी स्किल्स को डेवलप करें, वो जैसे जैसे काम करेगा, उसकी रूटीन आएगी डेली ऑपरेशन के साथ, वो लर्न करेगा, उसकी स्किल्स डेवलप होंगी, ट्रेनिंग मिलेगी उसको, डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, वर्क फोर्स में काम करेगा। सो डेवलपिंग देयर स्किल्स, ये सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। इन सब को मैनेज करने का जो नाम है ना, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। सो मोटिवेट देम टू अचीव देयर गोल्स, हम उनको मोटिवेट करते हैं, एंड देन वो ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। उसके बाद है इंश्योर कमिटमेंट, जो कमिटमेंट की गई थी, जिस चीज़ की उनसे कमिटमेंट थी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये टास्क हैं, ये आपने डेली बेसिस पे परफॉर्म करने हैं, एंड देन यू गेट द बेनिफिट। तो आपको वो, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड मैनेजमेंट ये इंश्योर करती है वर्कफोर्स को कि वो अपने टास्क को कंप्लीट करेगा और उसी तरह से उसको परफॉर्म करके इफेक्टिवनेस के साथ जो है वो गोल्स को अचीव करेगा ऑर्गेनाइजेशन की। इसको हमने डिफाइन किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। थोड़ा सा मैं और अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, ह्यूमन रिसोर्स इज अ प्रोसेस दैट ब्रिंग्स पीपल एंड एम्प्लॉयज टुगेदर, जो एक ऐसा प्रोसेस है जो पीपल को और एक जो एम्प्लॉयज होते हैं उसको आपस में जो है वो करीब लेकर आता है, उनको आपस में मिलाता है, उनके एक्टिविटीज़ को, उनके टास्क को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उन सब को जो है वो आपस में मिलाने का जो नाम है वो HR का। HR एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो इन सब को इकट्ठा करता है, इनको इंटेग्रेट करता है आपस में, और एक्टिविटीज़ को जो है वो शेयर करता है, इसलिए हमने इसको ये लिखा। सो वी कैन से दिस, HR decisions influence effectiveness of organization that leads to better services। जो HR के डिसीजन होते हैं इज मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कि ये इन्फ्लुएंस करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, और जब ये इफेक्ट करेंगे वो क्या काम करेगी, लीड्स अप टू द बेटर सर्विसेज। बेटर सर्विसेज क्या होंगी, कॉस्ट कम होगी, बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी की बनेगी, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे, और ऑर्गेनाइजेशन भी मोटिवेट रहेगी, उनको बोनसेज मिलेंगे। दीज आर द बेनिफिट्स दे विल गेट। इंटेग्रेटेड डिसीजन मेकिंग, इंटेग्रेटेड डिसीजन मेकिंग होती है कि HR जो है वो ऐसी पॉलिसीज बनाता है कि वो जो इंटेग्रेटेड डिसीजन मेकिंग होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इंप्लीमेंट हो रही होती है, CEO से लेके लोअर लेवल तक, ठीक है।
अब हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन एचआर। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे। देयर आर द लॉट ऑफ डेफिनेशंस आथर हैड डिस्क्राइब, डिफरेंट आथर्स ने इसको डिफरेंट तरह से डिस्क्राइब किया है। हम बात करने वाले हैं एक एक शॉर्ट सी डेफिनेशन की, और डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, आप कोई भी उसमें से ले सकते हैं। एचआरएम इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सो दैट सेट गोल्स आर अचीव्ड। गोल्स को अचीव करने के लिए एक ऐसा प्रोसेस डिफाइन किया जाता है जिसमें एफिशिएंसी हो, इफेक्टिवनेस हो, ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। ह्यूमन रिसोर्स एक प्रोसेस है, ठीक है, जो आपके गोल्स को अचीव करेगा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ, यूजिंग द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, लोगों को यूज करते हुए, पीपल को, वर्कफोर्स को यूज करते हुए। ये यहाँ तक तो हमने उसकी डेफिनेशन और उसको अंडरस्टैंड किया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ एचआरएम को डिस्कस करते हैं कि एचआरएम की नेचर क्या है, ये किस तरह की होती है, क्या क्या इसके अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सकती हैं, या ह्यूमन रिसोर्स की बेसिक नेचर क्या है। सबसे नंबर वन है इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक कंपल्सरी, एक परमानेंट पार्ट होता है मैनेजमेंट का, जो कि ज़रूरी होता है। क्यों? बिकॉज द सेलेक्टिंग पीपल, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग, अप्रेजिंग, ह्यूमन रिसोर्स का काम ही यह है कि पहले लोगों को सेलेक्ट करके लेकर आता है वो ऑर्गेनाइजेशन में, और अच्छे लोग सेलेक्ट करके लेकर आना, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लेकर आना, ट्रेन करना उनको, उनको ट्रेनिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट बताना, रूल्स, प्रोसेस, प्रोसीजर्स, काम, एंड देन मोटिवेट करना टूवर्ड्स अचीविंग देयर गोल्स, ठीक है, एंड देन अप्रेजिंग। अप्रेजिंग का मतलब होता है कंपेंसेट करना, उनको बोनस देना, उनकी परफॉर्मेंस रिवार्ड्स देना। इस ढेरों एक्टिविटीज जो है ये कौन परफॉर्म करता है? ह्यूमन रिसोर्स परफॉर्म करता है, एंड दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इस तरह की होती है। परवेसिव फंक्शन, परवेसिव फंक्शन क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है, जो वो हर जगह पर अप्लाई होगा, जहाँ जहाँ मैनेजमेंट हो रही है वहाँ वहाँ ह्यूमन रिसोर्स अप्लाई होगा, किसी स्पेसिफिक जगह पर अप्लाई नहीं होगा, कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी। पर्सन इन ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा पर्सन जो कि पूरी मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सीईओ से लेके ग्राउंड लेवल तक के जो पर्सन काम कर रहे हैं। एंड देन है एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड क्या है कि ये सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का काम ये नहीं है कि सिर्फ बातें करना, रिकॉर्ड कीपिंग कर लेना, इस एम्प्लॉय को हायर कर लिया, उसको फायर कर दिया, उसको प्रमोट कर दिया, नो, इसका मतलब ये है कि ये एक्शन ओरिएंटेड है, रैशनल पॉलिसीज बनाता है जो कि सबके लिए इक्वल होती हैं और सब बेनिफिट उससे अचीव करते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू रैशनल पॉलिसीज, नॉट जस्ट ओनली द रिकॉर्ड कीपिंग। दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ एक्शन ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेचर क्या है कि ये पीपल ओरिएंटेड है। व्हाट इज पीपल ओरिएंटेड? असाइनिंग जॉब, देखें, पीपल से रिलेटेड है, मतलब जितने भी इसके टास्क होंगे सारे के सारे लोगों से रिलेटेड होंगे। टास्क को असाइन करना, प्रोड्यूस रिजल्ट्स, रिवार्ड्स, रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करके लेकर आना, एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज करना कि कितना अच्छा काम करता है, रिजल्ट्स दे रहा है कि नहीं, जैसे रिजल्ट्स ऑर्गेनाइजेशन चाहती है वैसे लेके आ रहा है कि नहीं, उसको रिवार्ड देना, उसको बोनस देना, मंथली बोनस, अलाउंस, ईच एंड एवरीथिंग, एंड मोटिवेट देम टूवर्ड्स इम्प्रूविंग इन प्रोडक्टिविटी, और उनको मोटिवेट करते रहना, उनको कोई ना कोई बेनिफिट देते रहना, उनको कोई ना कोई ट्रेनिंग सेशन देते रहना, सो दैट जॉब रोटेशन करते रहना, सो दैट के वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। इसलिए हमने इसको कहा है कि ये पीपल ओरिएंटेड होती है, इसका काम ही लोगों के साथ इंट्रैक्शन करना होता है। ये चार पॉइंट कवर हो गए। फिर हमारे पास फ्यूचर ओरिएंटेड। अच्छा, ये फ्यूचर ओरिएंटेड भी होती है ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये फ्यूचर को सोच के ये जो है वो बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करता है। कैसे? इफेक्टिव एचआरएम हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स गोल। अगर एचआरएम की पॉलिसीज इफेक्टिव होंगी, इफेक्टिव पीपल्स को हायर किया जाएगा, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर लेगी। अदरवाइज जो सेट टारगेट है, जो सेट गोल्स हैं, वो कभी भी अचीव नहीं हो सकते ऑर्गेनाइजेशन के। डेवलपमेंट ओरिएंटेड नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट। और एचआरएम इज आल्सो अ डेवलपमेंट ओरिएंटेड। पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज, पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू जॉब रोटेशन। आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इम्प्लॉय काम करें उनका पोटेंशियल चेक करना है, पोटेंशियल, उनको रिवॉर्ड्स देने हैं, ट्रेनिंग्स करनी है, उनकी जॉब रोटेशन, सो दैट कि जितना उसके अंदर पोटेंशियल है, जितना वो काबिल है, वो सारे का सारा जो है वो इंप्लीमेंट हो सके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को बाहर लेकर आना है, बेसिक जो इसका फंक्शन है। फिर है इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म। व्हाट इज इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म? इंटीग्रेट का मतलब होता है जुड़े होना, आपस में
जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो जुड़े हुए हों, मेंटेन कर रहा हो कार्डिनल रिलेशनशिप। कार्डिनल रिलेशनशिप क्या है कि ये सबके साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाए, जितनी भी वर्कफोर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही है, फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, सबके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए। हर एक के प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए, हर एक के परफॉर्मेंस का, हर एक की स्किल्स का उसको पता होता है, उनके साथ क्लोजली इंटरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, एचआर पर्सन जो है। एंड देन कंटिन्यूस फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन में एचआरएम कभी भी एक दफा पर्सन को हायर करने के बाद खत्म नहीं हो जाता, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। व्हाट इज कंटिन्यूस प्रोसेस? ये वन शॉट प्रोसेस नहीं है कि एक दफा आपने काम किया एंड देन फिनिश, नो, ठीक है। कांस्टेंट अवेयरनेस, आपको एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस से कांस्टेंट अवेयर रहना है, उनकी प्रॉब्लम से रहना है, सो दैट के एम्प्लॉय लीव ना करे, टर्नओवर ज्यादा ना आए, ठीक है। अल्टरनेस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस इन एवरी डे ऑपरेशन, हर दिन के जो ऑपरेशंस हैं उसमें अल्टरनेस, उसकी परफॉर्मेंस में चेंजेस लेकर आना, उसकी पोटेंशियल उसका बाहर लेकर आना, ये सारी चीज़ों पे जो है वो अवेयर रहता है डेली, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है। एंड देन नाइन्थ फंक्शन पे आ जाएंगे, बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन। ये ह्यूमन रिलेशन पे इसकी जो नेचर है ना, ये ह्यूमन रिलेशन है, ह्यूमन के साथ रिलेशनशिप बनाना, उनकी नीड्स को एनालिसिस करना, ठीक है। एवरी डे हैज़, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट परसेप्शन, हर एक की अपनी अपनी अलग परसेप्शन है, नीड है एंड एक्सपेक्टेशन है, उन सबको मीट करना, उसकी नीड को अंडरस्टैंड करना, उनके एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना, उनको परसीव करना कि ये चाहता क्या है रिवॉर्ड में, डिफरेंट अदर सेक्टर्स के अंदर, ठीक है, ये इसकी नेचर है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद है मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज। व्हाट इज मल्टी डिसिप्लिनरी? मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है एक से ज्यादा एक्टिविटीज को परफॉर्म करना। एक से ज्यादा एक्टिविटीज कहाँ परफॉर्म की जाती हैं? एक एचआर जो होते हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, लाइक उनको नॉलेज होता है कि साइकोलॉजी भी अंडरस्टैंड आनी चाहिए उनको, उनको फाइनेंस का भी पता हो, उनको इकोनॉमिक्स का भी पता हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलके ही जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की टेक केयर की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यूटिलाइजिंग नॉलेज एंड इनपुट ड्रॉन फ्रॉम साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा, जो आप अपने नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं इन चीज़ों से, इकोनॉमिक्स से एंड देन फर्दर जो है वो साइकोलॉजी से, आप जो है वो जो चीज़ें इनपुट ड्रॉ करते हैं उनको फिर ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं कि एक एम्प्लॉय क्या चाहता है ऑर्गेनाइजेशन से, उसकी परफॉर्मेंस कैसे बेटर हो सकती है, वो उसकी इकोनॉमी का भी, फाइनेंस का भी ख्याल रखता है, उसकी नीड का भी ख्याल रखता है, उसके एनवायरमेंट का भी ख्याल रखता है, सेफ्टी का भी ख्याल रखता है, ये सारी चीज़ें क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी परफॉर्म करता है एचआर मैनेजर। सो दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को, मैंने मैनेजमेंट को मैंने आपको डिस्कस किया है, और इस लेक्चर में हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन को डिस्कस किया। अभी इसमें बहुत सारा कुछ रहता है, इसमें स्कोप्स है, इसमें स्कोप है उसकी, इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम टॉपिक वाइज करेंगे, हम शॉर्ट शॉर्ट जो है वो वीडियोज़ में कवर करेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए, तो आप उसको लिख सकते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर देन हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव एंड अदर फंक्शंस के अबाउट बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।